नमस्ते दोस्तों, बिना आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हमारा आज का चर्चा का विषय है प्रपत्र एवं प्रारूप लेखन, जो कि एमपीपीएससी के प्रश्न पत्र 5 के सामान्य हिंदी खंड से जुड़ा हुआ है। पिछले लेक्चर 1 में हमने प्रतिवेदन पढ़ा था, आज हम प्रपत्र एवं प्रारूप लेखन पर चर्चा करेंगे। आइए पहले जानते हैं प्रपत्र क्या होता है। दोस्तों, प्रपत्र कोई नया शब्द नहीं है, आप लोग इससे बखूबी परिचित होंगे। आप लोग बैंक में जब भी गए होंगे कभी, तो आपने वहाँ पर एक स्लिप होगी जिससे आपने कभी वहाँ पर पैसा जमा किया होगा या पैसा निकाला होगा, तो वहाँ पर आप लोगों ने कुछ सामान्य जानकारी फिल की होगी। वो सामान्य जानकारी जिस क्रम में होगी या जिस तरीके से बनाई गई होगी या व्यवस्थित की गई होगी, वो प्रपत्र का ही प्रोफार्मा होता है। इसी के आधार पर जानकारियाँ पूछी जाती हैं। जैसे बैंक से संबंधित कुछ जानकारियाँ पूछी जाती है, जैसे कि खाता धारक का नाम, खाता नंबर और उससे संबंधित दिनांक आदि का उल्लेख होता है। सबसे ऊपर प्रोफार्मा, बैंकिंग के प्रोफार्मा में सबसे ऊपर की तरफ बैंक का नाम लिखा रहता है, तथा वहाँ पर बैंक का जो सबसे नीचे या मध्य में, वहाँ पर बैंक की शाखा का आपसे नाम पूछा जाता है। तो ये प्रोफार्मा का फॉर्मेट इसी तरीके से होता है। एक और मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। कभी आप रेलवे आरक्षण के लिए गए होंगे, तो वहाँ भी आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ का भी प्रोफार्मा एक अलग तरीके का होता है। जैसे कि वहाँ पर 24 घंटे का समय पूछा जाता है, रेलवे की जिस ट्रेन में आप लोग सफ़र करने वाले हो उस ट्रेन का नंबर पूछा जाता है, और साथ ही उससे संबंधित दिनांक का उल्लेख भी वहाँ पर होता है, और साथ ही उसका डेस्टिनेशन यानी कि वो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये जानकारी पूछी जाती है। वो एक व्यवस्थित क्रम में होता है और सारे भारत में वो जानकारियाँ समान ही होती हैं। ये प्रोफार्मा का फॉर्मेट इसी तरीके से बनाया जाता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बनेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से प्रोफार्मा की परिभाषा पूछी जा सकती है, प्रोफार्मा के उद्देश्य पूछे जा सकते हैं और प्रोफार्मा की विशेषताएँ भी यहाँ से पूछी जा सकती है। तीनों ही प्रश्न तीन तीन नंबर के पूछे जा सकते हैं, बड़ा प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा। आइए अब जानते हैं कि प्रोफार्मा की परिभाषा क्या होगी। वह प्रश्न जो एक निश्चित कार्य के लिए एक विशेष प्रकार से तैयार किया जाता है उसे प्रपत्र कहते हैं। एक निश्चित कार्य के लिए, यानी कि आप बैंक गए तो वहाँ से बैंक से आप जो पैसे निकालोगे तो वो आपका एक निश्चित कार्य हो गया, या रेलवे में आरक्षण के लिए आप गए तो वहाँ आपकी टिकट बुकिंग आपका एक निश्चित कार्य हो जाता है। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। किसी निश्चित कार्य के लिए एक समान सूचना देने या लेने का काम करता है। बिल्कुल, एक समान सूचना यानी कि आप पैसे निकाल रहे हो एक सूचना है, तो सेम जानकारी आप वहाँ पर देते हो। प्रपत्र के कारण एक रूपता बनी रहती है, क्योंकि प्रपत्र जो होते हैं क्रमबद्ध रूप से होते हैं। यानी कि जब आप रेलवे में आरक्षण के लिए जाते हो या कॉलेज वगैरह का फॉर्म भरते हो, तो वहाँ पर फॉर्म के क्रम होता है, जैसे कि 1 2 3 4, तो उससे फॉर्म को व्यवस्थित करना सरल होता है। प्रपत्र का व्यवस्थित करना सरल होता है क्योंकि यह एक समान आकार में होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्रपत्र को तुरंत प्राप्त करने में सुविधा होती है। बिल्कुल, वो क्रम से होते हैं, तो जब भी जरूरत पड़ती है तो उन्हें क्रम से व्यवस्थित होने के कारण तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। प्रपत्र को संकलित करना सरल होता है। प्रपत्र भरने की विधि या विशेषताएँ। सर्वप्रथम प्रपत्र को पूरी तरह पढ़ लिया जाए। प्रपत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद प्रत्येक बिंदु से संबंधित जानकारी निश्चित की जाए। बिल्कुल, सबसे पहले हमें प्रपत्र को पूरी तरीके से पढ़ लेना चाहिए, उससे संबंधित हमें जानकारी इकट्ठा कर लेना चाहिए। जैसे कि आप बैंक में पैसा निकालने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको खाता से संबंधित खाता नंबर और अकाउंट होल्डर यानी कि खाता धारक का नाम पता होना चाहिए। साथ ही उस दिन की दिनांक क्या है और किस ब्रांच में आप गए हैं, उस ब्रांच का नाम भी आपको याद होना चाहिए। यदि चौकोर खाने वाले हिस्से हैं तो प्रत्येक खाने में एक ही वर्ण लिखें, और एक शब्द लिखने के बाद एक खाना रिक्त छोड़ दें, फिर दूसरा शब्द लिखें। जैसे कि मेरा नाम ध्रुव पाटीदार है, तो मैं सबसे पहले DHRUV प्रत्येक एक एक खाने में लिखूंगा। ध्रुव लिखने के बाद मैं एक खाना खाली छोड़ दूंगा, अगले खाने में PATIDAR यानी पाटीदार लिखूंगा। प्रपत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद प्रत्येक बिंदु से संबंधित जानकारी निश्चित करने के बाद इसको इसमें आप फिल कर देंगे। प्रपत्र में जितने बिंदु हैं सभी बिंदुओं की पूर्ति की जावे। यदि कोई बिंदु आपसे संबंधित नहीं है तो वह निरंक या NA लिखा जाए, किंतु खाली ना छोड़ा जाए, और नहीं यानी कि ये क्रॉस का चिन्ह भी आप बना सकते हैं।
प्रपत्र में अपना नाम, पिता का नाम, पिता पता आदि भरते समय वही शब्द लिखे जो शुरू से लिखते आ रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना करें। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, 10th क्लास की मार्कशीट में जो आपका जन्म दिनांक होता है वही आप लोग फिल करें, किसी अन्य प्रकार से उसको परिवर्तित ना करें। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। प्रपत्र में दिनांक व समय के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेषतः रेलवे आरक्षण व डाक विभाग के प्रपत्रों में, क्योंकि यहाँ 24 घंटे के हिसाब से गिना जाता है। बिल्कुल, वहाँ पर 12 भी बजते हैं, 13 भी बजते हैं, 13 यानी कि दिन का एक बजता है, 14 भी बजते हैं, 15 भी बजते हैं, इस तरीके से 24 तक वहाँ पर बजते हैं। प्रपत्र में अंक संबंधी जानकारी देना है तो उसे शब्दों में लिखा जाए, जैसे कि 24 लिखना है तो 24 को 2 और 4 भी इस तरीके से हमें इसे लिखना चाहिए। प्रपत्र भरते समय यदि कोई त्रुटि हो जाए तो उसी के ऊपर पुनः ना लिखें, अपितु उसे काट कर स्पष्ट लिखें और वहां अपने लघु हस्ताक्षर कर दें। यानी कि प्रपत्र में आपने अगर किसी तरीके से कोई गलती कर दी है, कोई त्रुटि कर दी है, तो उसे काटापीटी ना करें, बल्कि उसको काट कर वहाँ पर उसके ऊपर लिख दें और वहाँ पर अपने हस्ताक्षर जरूर करें। यदि प्रपत्र अधिक महत्वपूर्ण है तो उसकी एक छाया प्रति अभ्यास कार्य के लिए रूप में तैयार कर लें। याद रखना, छाया प्रति करना है यहाँ पर, अभ्यास कार्य के लिए रूप में तैयार कर लें। प्रपत्र भरने के बाद मूल प्रपत्र को एक बार पुनः अवलोकन करें ताकि किसी प्रकार की गलती की संभावना ना हो। यदि प्रपत्र दोबारा नहीं मिल सकता है तो उसकी एक छाया प्रति बनाकर अवश्य रख लें, छाया प्रति यानी कि उसकी फोटो कॉपी, ठीक है, जिससे हम अभ्यास कार्य के रूप में इसका उपयोग कर सकें। यदि प्रपत्र के संबंध में कार्यवाही में समय लगेगा और प्रपत्र महत्वपूर्ण है तो भरे हुए प्रपत्र की एक छाया प्रति स्वयं के लिए अवश्य रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर यह ज्ञात रहे कि आवेदन ने किस बिंदु में क्या लिखा है। दोस्तों, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि छाया प्रति और अनुलिपि क्या होती है। इस तरीके से ये प्रोफार्मा यानी प्रपत्र हमारा कंप्लीट होता है, आप इसे बखूबी समझ गए होंगे। आइए अब आगे देखते हैं प्रारूप लेखन क्या होता है। दोस्तों, प्रारूप लेखन भी से भी आप लोग बखूबी परिचित होंगे। प्रारूप लेखन एक ऐसा मसौदा होता है जिसमें किसी जानकारी को यानी कि किसी भी पत्र को जब हम अंतिम रूप देते हैं तो उसके पहले जो पत्र कंप्लीट किया जाता है, जो पत्र बनाया जाता है, तो उसे अंतिम रूप अभी दिया नहीं गया है, उसके पहले का जो मसौदा होता है उसे ही प्रारूप लेखन कहते हैं। प्रारूप लेखन से भी बता देता हूँ कि प्रारूप लेखन से भी प्रारूप लेखन की परिभाषा, प्रारूप लेखन का क्या महत्व है आदि जानकारियाँ पूछी जा सकती हैं। देखते हैं, प्रारूप लेखन में 3 नंबर से परिभाषा, उसका महत्व या उद्देश्य पूछा जा सकता है। साथ ही 15 मार्क्स में इससे एक प्रारूप लेखन जैसे कि शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, आदेश आदि संबंधित 15 मार्क में इनका एक प्रारूप बनाने को आ सकता है एग्जाम में। परिभाषा की बात करते हैं, प्रा प्लस रूप शब्द से प्रारूप शब्द बना है। किसी भी पत्र को अंतिम रूप देने से पहले जो कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है उसे प्रारूप कहते हैं। प्रारूप टिप्पण के बाद की प्रक्रिया है। दोस्तों, यहाँ पर टिप्पण शब्द आया, यानी कि ये टिप्पण क्या होता है आपको देखिए, टिप्पण क्या होता है कि जब किसी कार्यालय में किसी प्रकार का कोई कार्य करना होता है तो उस कार्य से संबंधित जो जानकारियाँ होती है वो उच्च अधिकारी तक, निम्न श्रेणी लिपिक से उच्च अधिकारी तक जो जानकारी मांगी जाती है उससे संबंधित उनके मत विमत पूछे जाते हैं, यही टिप्पण है। तो किसी भी पत्र को अंतिम रूप देने से पहले जो कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है उसे प्रारूप कहते हैं। प्रारूप टिप्पण के बाद की प्रक्रिया है। प्रारूप लेखन का कार्य निम्न श्रेणी लिपिक द्वारा तैयार किया जाता है जबकि उस पर हस्ताक्षर सर्वोच्च अधिकारी के होते हैं। अतः प्रारूप के द्वारा पत्र लेखन में किसी प्रकार की गलत सूचना ना दी जाए, इसकी सुरक्षा बनी रहती है। अतः प्रारूप की प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है, यानी कि किसी प्रकार की गलत सूचना से सुरक्षा हेतु भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। प्रारूप निम्न श्रेणी लिपिक के द्वारा क्रमशः उच्च श्रेणी लिपिक, मुख्य लिपिक, लेखाधिकारी से होता हुआ उच्च अधिकारी के पास जाता है। उच्च अधिकारी की स्वीकृति के बाद यह पुनः निम्न श्रेणी लिपिक के पास आता है। तदंतर टंकित होकर इसी क्रम में
मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद जावक लिपि के द्वारा संबंधित व्यक्ति या कार्यालय को भेजा जाता है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जावक लिपि यानी कि जावक क्रमांक हमेशा बाद में पेन से लिखा जाता है, यानी कि कच्चा मसौदा के प्रकार में लिखा जाता है, कंप्यूटर से टाइप नहीं होता है। सामान्यतः जिन निम्न श्रेणी लिपिक नीली स्याही का प्रयोग करता है और सर्वोच्च अधिकारी सदैव हरी स्याही का उपयोग करता है। अब बात करते हैं प्रारूप के लेख महत्व या उसके उद्देश्य की। यदि किसी कारणवश कोई सूचना गलत भेज दी जाती है या किसी पत्र में किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो प्रारूप के द्वारा यह ज्ञात हो जाता है कि संशोधन किसके द्वारा किया गया है। बिल्कुल, मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ कि टिप्पण की प्रक्रिया से गुजारा जाता है और टिप्पण में किसी भी समस्या के निराकरण के लिए प्रत्येक यानी कि निम्न श्रेणी लिपिक से उच्च श्रेणी लिपिक होता हुआ सर्वोच्च अधिकारी तक सभी के मत विमत जाने जाते हैं। तो इससे यहाँ पर किसी भी प्रकार का अगर संशोधन किया जाता है तो ये पता चल जाता है कि ये संशोधन किसके द्वारा किया गया है या ये त्रुटि किसके द्वारा की गई है। प्रारूप के द्वारा सहायक लिपिक और उच्च अधिकारी दोनों का बचाव पक्ष जुड़ा होता है। बिल्कुल, क्योंकि वो एक क्रमबद्ध रूप से दोनों के पास ही गया हुआ होता है। प्रारूप का यह उद्देश्य है कि किसी भी शब्द या सूचना से किसी भी प्रकार का भ्रम उत्पन्न ना हो, अर्थात द्विअर्थी शब्द ना हो, यानी कि प्रारूप में द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, स्पष्ट बातें की जाएंगी। प्रारूप के कारण शासकीय कार्यालय निष्पक्ष रूप से नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है। इसी प्रकार से प्रारूप के आधार पर ही कार्यवाही की जाती है कार्यालयों में। इस तरह हमारा ये प्रारूप लेखन कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं एमपीपीएससी के सिलेबस में शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, कार्यालय आदेश, प्रष्टांकन, अनुस्मारक, अधिसूचना आदि के प्रारूप बनाने को आ सकते हैं। कार्यालय ज्ञापन, निविदा और प्रेस विज्ञप्ति, ये तीनों एमपीपीएससी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इन पर भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। आइए थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इन्हें, शासकीय पत्र क्या होता है। दोस्तों, शासकीय पत्र किसी भी कार्यालय में लिखा गया वह पत्र होता है, उसी के आधार पर कार्यवाही की जाती है। वे पत्र जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को किसी शासकीय कार्य के लिए लिखा जाता है, शासकीय पत्र कहलाता है। अर्धशासकीय पत्र की बात करते हैं तो अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेता है, यानी कि जब किसी शासकीय कार्यालय में उच्च अधिकारी किसी कार्य में व्यक्तिगत रुचि लेता है तब उसे अर्धशासकीय पत्र के रूप में प्रारूप तैयार करना पड़ता है। अर्थात अधिकारी की व्यक्तिगत रुचि के कारण विशेष रूप से जो पत्र लिखा जाता है ना, वही अर्धशासकीय पत्र कहलाता है। परिपत्र यानी कि सर्कुलर, परिपत्र का फॉर्मेट जब किसी एक पत्र अर्थात एक ही सूचना या एक ही कार्यालय को भेजी जाती है तब वह परिपत्र के रूप में भेजी जाती है, और परिपत्र जो है वो सर्वोच्च कार्यालय द्वारा ही तैयार किया जाता है, यानी कि सूचना इसमें समान दी जाएगी लेकिन सर्वोच्च कार्यालय इसको तैयार करेगा। कार्यालय आदेश, जब एक ही कार्यालय में उच्च अधिकारी द्वारा उससे संबंधित अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी को कोई सूचना या कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो कार्यालय आदेश तैयार किया जाता है। प्रष्टांकन यानी कि एंडोसमेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोसमेंट। जब किसी मूल पत्र से संबंधित कोई सूचना अन्य व्यक्तियों को भी दी जाती है तब प्रष्टांकन तैयार किया जाता है, यानी कि जब मूल सूचना अन्य व्यक्तियों को भी दी जाती है तो प्रष्टांकन का प्रारूप तैयार किया जाता है। जैसे कि अभी कोविड-19 में जो कलेक्ट्रेट से जो आदेश निकलते हैं वहाँ पर प्रष्टांकन का प्रारूप तैयार किया जाता है। जैसे कि एसडीएम कार्यालय को भी वो मूल प्रश्न भेजा जाता है, तहसीलदार को भी भेजा जाता है या अन्य कार्यालयों में भी प्रश्न भेजा जाता है, तो इस तरह प्रष्टांकन तैयार किया जाता है। अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर, रिमाइंडर कुछ भी नहीं होता है, जैसे कि आप लोग आपके मोबाइल वगैरह में या घड़ी वगैरह में एक रिमाइंडर भरते होंगे कि मुझे ये समय पर ये बात मुझे याद करना है, ये मुझे ये कार्य करना है। उसी प्रकार जब किसी पूर्व में भेजे गए पत्र का कोई जवाब नहीं आता है या कोई सूचना या कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तब उसे याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे ही अनुस्मारक कहते हैं। दोस्तों, कार्यालय
अधिसूचना, अधिसूचना की बात करते हैं तो अधिसूचना से आप नोटिफिकेशन से भी आप लोग परिचित होंगे। जब किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि संबंधी कोई सूचना दी जाती है तो वह अधिसूचना के प्रारूप में तैयार की जाती है। कार्यालय ज्ञापन, निविदा और पेश विज्ञप्ति आपके सिलेबस में नहीं है। इसके सिवा एक टिप्पण और छूट जाता है, वो आपको पहले समझा चुका हूँ। आइए देख लेते हैं क्या है कार्यालय ज्ञापन। दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट, आपने मुख्य समाचार पत्र में या आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे वहाँ पर विज्ञापन देखा ही होगा। निश्चिंत, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आपने देखा होगा। किसी कार्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए जब सार्वजनिक आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं तो विज्ञापन तैयार किया जाता है। विज्ञापन मुख्य पत्र के समाचार पत्र में पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। प्रत्येक विज्ञापन के लिए कार्यालय के क्षेत्र तक सीमित रहता है। इसके भी कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे कि इससे प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन रूप से चयन किया जाता है, समान अवसर दिया जाता है, चयन में सुविधा होती है, श्रेष्ठ अधिकारी और कर्मचारी शासन को प्राप्त होते हैं। इसके सिवा निविदा, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंडर। आपने हमेशा सुना होगा कि यार टेंडर भरे जा रहे हैं, यानी कि वो टेंडर होता क्या है आखिर, देखते हैं। सरकारी कार्यालयों अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण या मरम्मत आदि करने के लिए कार्य संपन्न कर सकने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को सूचना प्रदान करने के लिए समाचार पत्रों में, यानी कि न्यूज़पेपर वगैरह में, उससे संबंधित जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे ही निविदा या टेंडर कहते हैं। अब देखते हैं हम प्रेस विज्ञप्ति। ये शब्द से भी आप लोग बखूबी परिचित होंगे। प्रेस विज्ञप्ति, यानी कि इसे प्रेस नोट कहते हैं इंग्लिश में। जब कोई सूचना आम जनता को देनी होती है, यानी कि आम जनता यानी कि सामान्य लोगों को देनी होती है, तब प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार किया जाता है। यह सूचना सार्वजनिक रूप से समाचार पत्र के द्वारा ही दी जाती है। इसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करते समय केवल पद का नाम होता है। इस तरीके से हम इन सभी चीज़ों को समझेंगे। दोस्तों, अगले लेक्चर में हम शासकीय पत्र और उसका मसौदा कैसे बनाया जाता है, इस चीज़ों को समझेंगे। इस प्रकार से हमारा आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। देखिए दोस्तों, ये समय बहुत कठिन चल रहा है, सिर्फ आपके लिए ही नहीं वरन पूरे विश्व जगत के लिए, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है। चले हैं जिस सफ़र पर, उसका कोई अंजाम तो होगा। जो हौसला है हो सके ऐसा कोई जाम तो होगा। जो दिल में ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।